हेलो चिल्ड्रन, मोस्ट वेलकम इन क्लास फिफ्थ। और आज मैं इंग्लिश रेनबो का लेसन वन डोंट गिव अप आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब कभी आशा ना छोड़िए। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, अगर आप हमेशा जारी रखते हैं, गोइंग चलना अर्थात प्रयास करना, एंड नेवर स्टॉप और कभी रुकते नहीं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और आप इस प्रकार से टॉप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन पर्वतों की भांति कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी कठिनाइयां और कुछ छोटी। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं, यू कैन ओवर देम ऑल, तो आप उन सभी पर ओवरकम विजय पा सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहें। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने की ना सोचें या प्रयास नहीं करें। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप कार्य करना जारी रखते हैं, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच सकते हैं। चलो बच्चों, पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। ऐसे ही आप अपने कॉपी में वर्ड मीनिंग लिखें, और चलो शुरू करते हैं। कीप ऑन, कीप ऑन मीन्स जारी रखना, कीप ऑन मीन्स जारी रखना। एन ई वी आर नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। फुल ऑफ माउंटेन्स, कठिनाइयों से पूर्ण। यस। गिव अप, प्रयास छोड़ना। यस। ओवरकम, सफल होना या काबू पाना। वेरी गुड। मेक इट, पूरा करना। बहुत अच्छे। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग? The children are going to the top. Very good. Now second question. What does the word mountain mean in the poem? कविता में mountain पर्वत का क्या अर्थ है? In the poem, the word mountain means difficulties. Very good. Difficulties अर्थात कठिनाइयाँ। ठीक। Now complete the lines. Some are big and some are small. Yes, some are small भरे। You can make it टू द टॉप। हाँ, यहाँ भरेंगे टू द टॉप। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, अब आपने इस कविता से क्या सीखा? वी लर्न फ्रॉम दिस पोएम दैट ट्राई एंड ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट लास्ट। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। बच्चों, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल ही जीवन है। इसलिए व्हेन वी टर्न ऑन अ टैप, तो जब हम नल खोलते हैं, तो इसको टर्न इट ऑफ, बंद भी करें। लर्न द वर्ड्स फॉर दीज एक्शंस एंड देयर अपोजिट्स, इनके शब्द सीखें और इनका अपोजिट विलोम शब्द भी सीखें। नल खोलने क्या कहेंगे? टर्न ऑन। यस। और बंद करने क्या कहेंगे? टर्न ऑफ। यस। लाइट का स्विच ऑन, और लाइट बंद करने को क्या कहेंगे? स्विच ऑफ। यस। कपड़े पहनना को कहते हैं पुट ऑन, तो उतारने को क्या कहेंगे? टेक ऑफ। यस। लाइट, लाइट क्या करेंगे? लाइट है ये, और यहाँ पे लाइट पुट आउट। लाइट अर्थात आग जलाना और आग को बुझाना कहते हैं पुट आउट। अब देखें, पुट इन एंड टेक आउट। तो अलमारी में जब कोई सामान रखते हैं, तो वो पुट इन, वी शुड पुट इन द अलमीरा, और जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या कहते हैं? टेक आउट। तो आज बच्चों आपने वर्ड सीखे और उनके विलोम भी सीखे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के पाठ पढ़ने के लिए, और अगर पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय।